लास्ट वाले वीडियो में मैंने आईडी का जिक्र किया था कि एक आईडी हमारे आईडीई होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो एक्चुअली क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसी के बारे में हमें जानना है। और मैं आज आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स दूंगा कि कैसे हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं, एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, वो भी एक सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है DEV Dev C++। इसका वर्जन है 5.11, तो इजिली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। आप DEV C++ लिख के डाउनलोड कर सकते हैं, अराउंड 100 MB तक होगा। ठीक है, तो ये इजिली डाउनलोड हो जाएगा, या अगर आपके पास मोबाइल एप्स है तो वो भी काम करेगी, दो में से कोई भी एक चीज। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो इट इज बेटर कि आप एक लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए एक आईडीई डाउनलोड करें, वही बेटर चलाएगी। अगर आपके पास अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, देन यू कैन यूज एप्स। आपको गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से, या अगर आपके पास iOS है वहाँ के स्टोर से, जो आपको काफी सारी मिल जाएंगी एप्स। ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ द एप्स। ऑलवेज चूज अ ऐप विच हैज अ हायर रेटिंग, जिसकी रेटिंग ज्यादा हो, जिसकी वो स्टार ज्यादा होते हो, ज्यादा डाउनलोड्स होते हैं, तो उनके कमेंट्स भी पढ़ने चाहिए। नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा होता है, सपोज इस प्लेटफॉर्म में नहीं चलता है, ये इश्यूज है, तो देखना चाहिए किसके कमेंट्स वगैरह ठीक है और डाउनलोड्स किसके ज्यादा है, तो वो वाली ऐप हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस एक्चुअली ऐप हम एक्चुअली क्या करते हैं, मैंने यहाँ से एक न्यू किया, न्यू के बाद सोर्स फाइल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ऐसा एक प्लेन टेक्स्ट आ गया। अब काफी, अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन देन यू मे गेट, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा ऑनलाइन में। सॉरी आई हैव स्क्रीन, वी हैव टर्बो सी जो हमारे पास है, तो उसका आपको ऐसा मिलेगा, वो कुछ ऐसा होता था, ऐसा टर्बो C++, ये जो इमेज आपको दिख रही है ऐसा ही होता था। ज्यादातर आपकी जो हमारे जो लैब में है वहां पे भी यही टर्बो सी वाला इंस्टॉल होता है मोस्टली में, ये ऐसा एक एनवायरनमेंट होता है, ऐसे इसकी कर्निंग वगैरह होती है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हम जो यूज कर रहे हैं ये वाली, मैं एक आईडी यूज कर रहा हूँ, एक बेटर ऐप है, इससे ज्यादा बेटर है टर्बो सी से। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं शायद आपको पहले समझ ना आए, डोंट वरी अबाउट देम, धीरे धीरे आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगी। मैं बस चीजें लिखूंगा, मैं फिर इनको डिफाइन करूंगा कि ये क्या हमने लिखा। ठीक है, तो मैंने ये कुछ चीजें लिखी, अब मैं इसको सेव करूंगा। सपोज इसका नाम कुछ भी रखता हूँ, ABC फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। ठीक है, ओके, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मैं सब कुछ डिफाइन करूंगा। ये एक फिलहाल के लिए हमें सारी चीजें समझनी है कि ये हैश क्या लिखा मैंने, मैंने इसके बाद इंक्लूड लिखा, फिर ये कुछ लिखा, फिर लिखा stdio, फिर डॉट लिख के h, फिर यहाँ पे फिर से हैश, फिर इंक्लूड, फिर conio, conio डॉट h, फिर यहाँ पे int, फिर main, फिर ये कुछ डाला, फिर ऐसा कुछ किया, फिर ये कुछ लिखा रिटर्न, फिर जीरो लिखा, फिर टर्मिनेट किया। ये सारी चीज जो है एक एक करके, एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा मैं,
नो इशू। बस मेरा आज ये मोटिव है कि आपको बेसिक्स कैसे हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज हियर। तो मैं पहले बता दूं कि अभी के लिए आप याद रखोगे कि हमें ऊपर ये दो लाइनें लिखनी पड़ती है, ठीक है। हमें ऊपर चाहे आप कोई ऐप यूज करोगे, आप कोई टर्बो सी प्लस प्लस यूज करोगे, या कोई भी और जितने भी हमारे पास इसके डेवलप करने के तरीके हैं, यानी हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिनमें हम डेवलप करते हैं, सी का सॉफ्टवेयर डाउन सी में प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं, लेकिन यही है आपको ऐसे ही लिखना है, हर एक में पहले ही ऐसा ही लिखना है। पहली लाइन क्या है, इसको हम बोलते हैं हैश, इसको हम बोलते हैं हैश, देन दिस इज इंक्लूड हैश INCLUDE इंक्लूड, देन दिस इज लेस देन एंड देयर इज अ ग्रेटर देन साइन, इनको भी हम देखेंगे इनको हम क्या बोलते हैं और कैसे हम एरो साइन हम इसको देखेंगे। मैंने फिर लिखा STDIO या इसको हम बोलते हैं stdio.h, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर एक और चीज हैश इंक्लूड conio.h, तो मैंने कुछ दो इंक्लूड कर दिए। बाई डिफॉल्ट अगर आपको इंक्लूड का मतलब, अब एक्चुअली ये क्या है इनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। ये दो फाइलें हैं जिसका एक फाइल का नाम है stdio जिसका और दूसरी का नाम है conio, ठीक है। अब थोड़ा सा अभी के लिए जान लो stdio का मतलब स्टैंडर्ड, std का मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे conio कनेक्शन इनपुट आउटपुट, तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, वी विल गेट देम, हम इनको बहुत अच्छे से जानेंगे और ये आपको एक आदत से हो जाएगी। फिर फिलहाल आप यही याद रखेंगे कि वी हैव दीज टू लाइन्स जो हमें लिखनी है ऐसे। पहले क्या लिखना है, हैश इनको, देखो मैंने कोई स्पेस वगैरह यहाँ पे नहीं दिए, पहले ऐसे ही लिखना हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। हम बाद में बात करेंगे क्या हम कहीं पे स्पेस दे सकते हैं, क्या हम कहीं क्या ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। Then I have write here something called int, int we call it as int. Then I have write something as main, main. I have a space, यहाँ पर मैंने एक space या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए main, और मैंने ये दो इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। तो इनको भी क्या बोलते हैं, parentheses होता है हमारे पास वगैरह, सारी चीजें हम वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन मैंने ये ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, एक करली ब्रेस, अगर आप अभी आप उसको करली ब्रेस बोलेंगे, करली ब्रेस। फिर मैंने ये लिखा यहाँ पे रिटर्न जीरो और इसको सेमी कोलन कर दिया, हम इसको यहाँ पे बोलते हैं टर्मिनेट कर दिया। तो मैंने लिखा रिटर्न जीरो और टर्मिनेट, और एट द एंड मैंने ये जो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑन किया था मैंने, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ चीजें होंगी यहाँ पे, अभी आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगा होगा, मैं फिर से एक बार बोलूँ, कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखना है हैश इंक्लूड conio.h, ये आप याद रखो, ये हमेशा के लिए लिखना है, ठीक है। फिर ये लिखना है int main, फिर main को इनसो बोलते हैं स्टार्ट, हो गए ये ब्रेसेस, और मैंने लिखा लास्ट पे रिटर्न जीरो और टर्मिनेट, इसको बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनेट करना, ठीक है, सेमी कोलन डाल के टर्मिनेट इसको बोलते हैं। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, ये यहाँ पे ओपन किया था मैंने ये ब्रेस, और यहाँ पे इसको करली ब्रेस को बंद कर दिया, ठीक है। अब जब मैं ये लिखता हूँ, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर सेव करते हैं, ठीक है, हम इसको फिर सेव करते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे जाके सेव किया, ठीक है, सेव या सेव एज, तो मैंने इसको सेव किया था पहले ही, तो सपोज सेव एज करता हूँ। इसका अगर मुझे कोई नाम देना है, सपोज मुझे इसका नाम देना है कुछ भी, मैं इसका फर्स्ट प्रोग्राम लिखूंगा नाम, जो भी आप इसका नाम रखोगे, उसके बाद आपको एक डॉट दबाना है, फुल स्टॉप करना है, फिर लिखना है सी, स्मॉल सी, ठीक है, डॉट दबा के स्मॉल सी लिखना है। इस सी का मतलब, डॉट सी का मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे आपकी PDF फाइल्स होती है, वो डॉट PDF होती है, आपकी इमेज, आप फोटोग्राफ उठाते हो अपने मोबाइल से वगैरह, तो वो स्टोर होता है। अगर आप अपने मेमोरी में देखो, मोबाइल की स्टोरेज में देखो, वहां पर आपकी इमेज बनी होगी, उसके लास्ट में होगा डॉट JPEG, जिसे हम बोलते हैं डॉट JPEG, ठीक है, उसका एक एक्सटेंशन, उसका एक नाम है डॉट, उसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफर्स एक्सपर्ट ग्रुप, वो एक अलग चीज है, आप वो चीजें सीखोगे इंशाल्लाह सारी चीजें। तो डॉट जब हम किसी में डालते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये किस तरह की फाइल है। जब यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया, मैंने इसको नाम रखा माई फाइल,
या माई फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट प्रोग्राम या कुछ भी, या एबीसी, हम मोस्टली नाम वही रखते हैं जिससे हमें कुछ याद नहीं समझ आए ये फाइल किसके बारे में। फिर हम लिखते हैं डॉट और डॉट और फिर करते हैं वहां पे डॉट सी। इस डॉट सी का मतलब ये सी की फाइल है, यानी सी प्रोग्रामिंग की फाइल है, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, ठीक है। फिर मेरे पास होता है यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मेरे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं, हम सारे ऑप्शन को एक एक करके इंशाल्लाह जानेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट को मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन है उसके बाद कंपाइल एंड रन, मैंने कंपाइल और रन पे क्लिक किया। अब मुझे ये ब्लैक स्क्रीन, एक और ब्लैक स्क्रीन आ गई। इसका मतलब मेरा जो प्रोग्राम है वो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल भी हम देखेंगे कंपाइलिंग क्या होता है, और फिर रन भी हो गया, यानी एक सॉफ्टवेयर बन भी गया, ठीक। हालांकि इस सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम बस बेसिक लिख रहे हैं, जो बेसिक जरूरी है वो इसमें रख रहे हैं। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उनके लिए मैं बोल दूं, आई हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर लाइक एम्पैथी, एम्पैथी सेट। ये सॉफ्टवेयर एक एम्पैथी सेट है, ये सेट है, ये एक प्रोग्राम है लेकिन करता कुछ नहीं है। वी कॉल एम्पैथी सेट अ सेट बिकॉज दैट इज अ सेट, दैट हैज दैट डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सो दिस प्रोग्राम हैज आल्सो अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम, इसमें वो सारी चीजें हैं जो प्रोग्राम को होनी चाहिए, लेकिन ये करता कुछ नहीं है, इसमें हमें अभी किया कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बेसिक है कि कैसे हम लिखते हैं, बेसिक जो चीजें हैं, जरूरी जो चीजें हैं। बाद में हम अभी ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ बचता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो एरिया अभी यहाँ पे, ठीक है, हम इसको एंटर और भी स्पेस दे सकते हैं। अभी ये मैं एरिया मैंने सारा वैकेंट ही छोड़ दिया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। हमें फिलहाल बहुत टाइम के लिए जो भी हम काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो वो हम इसी एरिया में क्रिएट करेंगे, यानी यही एरिया। ये और भी बड़ा, इसका मतलब ये नहीं, ये छोटा ही, इतना ही मेरे कहने का मतलब है। वहां पर हम लिखेंगे, हम ये बहुत सारा बड़ा भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं अभी अगर 10-15 लाइन ऐसे मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ जितने भी मुझे जरूरत हो। मैं अभी के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, मैं सपोज एक ही लाइन दिखा रहा हूँ, तो एक ही लाइन अभी के लिए, क्योंकि कुछ नहीं है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है फिलहाल के लिए कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप, अब एक तरीका हमारे पास है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास है सी में प्रोग्राम, सी में एक सॉफ्टवेयर बनाने का। उसमें क्या तरीका है, पहले के लिए याद रखेंगे आप, हम मैंने बोला पहले कि हम इन चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्या होता है हैश में कोनियो डॉट एच, ये हैश इंक्लूड क्या होता है, ये क्यों लिखना होता है, और हमारे पास और बाकी कौन से अवेलेबल है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ये कुछ पहले से ही लिखा हुआ कोड है जो हमें यूजफुल आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव दिस, इट्स कॉल्ड एज अ मेन प्रोग्राम, हमारे मेन फंक्शन है ये, हमारी मेन फंक्शन, हम इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। तो यहाँ से एक्चुअली हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है, जो भी हम करते हैं यहाँ करते हैं। सपोज मैं एक सिंपल में दिखाऊँ, मैसेज एक प्रिंट हम करते हैं, ठीक है। ये कैसे हम लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या है, मैंने कुछ कहीं पे कोट्स दिया है, कहीं पे टर्मिनेट किया है, कहीं पे ये दिया है, ये सारी चीजें हम एक एक करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये जो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, ये अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया है। एक ये जो ब्लैक स्क्रीन थी हमारे पास, अभी तक इस पे कुछ नहीं था, लेकिन अब इस पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, यानी अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ये एम्पिटी नहीं है, अब इसमें एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट क्या है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये हमें एक मैसेज दे रहा है कि वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी इसके लिखने का तरीका क्या है, आई विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस ये ग्लिम्प्स था कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।